हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल। आप देख सकते हो ए बी सी एक ट्राइंगल है। इन विच सी डी ई एफ जी इज अ पेंटागन, जिसमें कि हमारा सी डी ई एफ जी ये जो है हमने इसको हाईलाइट कर दिया ये इस प्रकार से। तो जो ये सी डी ई एफ है ये क्या है, एक पेंटागन है। पेंटागन यानी कि जिसकी क्या होती है, पाँच साइड होती है, पंचभुज हिंदी में कहते हैं, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन है। और फिर कह रहा है ट्राइंगल ए डी एंड बी एफ जी आर इक्विलेटरल। ट्राइंगल ए डी ये वाला, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है जो आपको, और बी एफ जी यानी ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा, ये दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगी इनकी। ईच विद साइड 2 सेंटीमीटर, जिनकी की प्रत्येक की साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है। यानी ये 2 सेंटीमीटर होगी ए डी, तो ये डी भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। और अगर ये ए ई होगी, ये भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। और ऐसे ही जो हमारा ये दूसरा ट्राइंगल है, इसकी भी क्या है, प्रत्येक साइड 2 सेंटीमीटर है। एफ भी 2 सेंटीमीटर है, जी भी 2 सेंटीमीटर है, और एफ जी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। एंड ई एफ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और जो ई एफ है ये विदीरक है, ये जो ई एफ ये टुकड़ा है बीच में, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर है। यानी पेंटागन की एक साइड तो मुझे पता चल गई, एक कहाँ, तीन पता चल गई, 1 2 3। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। तो इस जो पेंटागन है, ये पेंटागन, इसका एरिया फाइंड करना है, और आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कैसे होगा जी, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया तो आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है हमारा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें पता है कि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये होता है। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया तो मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, ए डी ई का और आपका बी एफ जी का, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब बात आती है कि मुझे ये पेंटागन का करना है। तो पेंटागन का एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ कि ये पूरा ए बी सी का ट्राइंगल पता चल, सॉरी, एरिया पता चल जाए मुझे पूरे बड़े वाले का, उसमें से इन दोनों का एरिया माइनस कर दूँ तो पेंटागन का एरिया बच जाएगा। और ये बड़े वाले का एरिया कैसे पता चलेगा, अब ये पता करना है मुझे। तो आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तीनों साइड इक्वल तो होते होते हैं, और इसके तीनों के तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। यानी ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ऐसे ही इसका भी क्या होगा, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब यहाँ पे देखो, आपको ये भी एक चीज़ बताया कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तब आप यहाँ पे देख लो, अगर मुझे ये बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में देखना है, ट्राइंगल ए बी सी में देखना है, और मुझे एंगल्स ही फाइंड करना है, एंगल्स ही फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तीनों का सम होता है। तो सी पता करना है, सी मुझे पता नहीं है, लेकिन ए और बी अभी हमने देख लिया, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 60 डिग्री है ए और बी। तो 60 और 60 कितना हो गया, 120, 180 में से 120 माइनस करूँगा तो कितना बच रहा है, 60 डिग्री। तो ये भी मेरे को क्या मिला, 60 डिग्री मिला, एंगल सी भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों की तीनों तीनों 60 डिग्री हो गए बड़े वाले ट्राइंगल में भी। इसका मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी भी तीनों की तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर मुझे इसमें एक की भी साइड पता चल जाती है तो काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मुझे ये नीचे वाली की साइड ये पता चल रही है, ए बी की देख लो, ए बी कितना हो रहा है, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, बीच वाला 2 सेंटीमीटर, ये 2, तो 2 2 2 2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो अगर ए बी मुझे 6 सेंटीमीटर पता चल गई, तो इसकी भी तीनों साइड इक्वल है, बी सी भी बराबर होगी, बी सी भी बराबर होगी इसके, और ए सी भी बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब मैं यहां से एरिया ऑफ बड़े वाले ट्राइंगल का फाइंड कर सकता हूं आसानी से। एरिया ऑफ कौन सा वाला ट्राइंगल, ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आप वैल्यू रख के देखो, √3/4 ए साइड स्क्वायर, साइड कितनी है यहां पे, 6 सेंटीमीटर आ रही है बड़े वाले की, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 4 से भी कट जा रहा है, 4 9 36, तो 9√3, 9√3 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। अब क्या करना है, इसमें से ये दो छोटे हटाना है, तभी तो पेंटागन का एरिया बचेगा। तो ये दो छोटे हैं, इनको हटाते हैं, तो देखते हैं एरिया ऑफ पेंटागन लिख देता हूँ मैं। एरिया ऑफ पेंटागन का नाम क्या है, यहाँ पे सी डी ई एफ जी, एरिया ऑफ सी डी ई एफ जी क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी हो गया 9√3 ये निकाला हमने, माइनस एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है इस छोटे वाले की, ए डी की 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है आपका, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 से क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे कितना आ रहा है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस दूसरे वाले का भी 2 2 2 है, ऐसे तो सेम इसका भी क्या आएगा, √3 आएगा, तो मैं 2 टाइम्स √3 माइनस कर देता हूँ उसमें से, −√3 −√3 नहीं, पीछे वाले का भी, ए डी ई का भी और इसका भी आएगा, तो जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2√3 देंगे, तो वही मैंने किया यहाँ पे। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आप देख रहे हो कि √3 तो कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, अंदर अंदर बचेगा 9 - 2, 9 में से 2 क्या कितना बचेगा, 7, तो 7√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारा क्या, जो पेंटागन है उसका एरिया। और आप ऑप्शन बी देख सकते हो, राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने